हेलो दोस्तों, कुरुक्षेत्र दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आपको आज लेकर आए हैं बाबा मार्कंडेश्वर नदी, जो कि झांसा गांव में स्थित है। और जैसे आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख रहे हो, यहां पर ये देखिए सामने जो जल स्तर है यहां पर, ये काफ़ी बढ़ चुका है पहले से। और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर, ये सामने इधर देखिए, यहाँ पर इधर भी, यहाँ पर काफ़ी जो पानी है काफ़ी ऊपर आ चुका है। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तस्वीरें, ये सामने देखिए, यहाँ पर भी आप जैसे देखोगे, ये जो पुल है, पुल के बिल्कुल पास ही यहाँ पर पानी आ चुका है। पुल के देखिए आप सामने, ये बिल्कुल सामने पानी दिखाई दे रहा है आपको। जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। और जो यहाँ के आसपास के इलाके हैं, जैसे आपको दिखाऊंगा मैं, वो भी पानी की वजह से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। जैसे आप देख रहे हो तस्वीरों में, पानी काफ़ी स्तर बढ़ चुका है पानी का। आइए, आपको आगे लेकर चलेंगे वीडियो में और दिखाएँगे यह पानी जो ओवर हो रखा है, इसको कहाँ से निकाला जा रहा है। क्योंकि जब ये पानी ओवर हो जाता है तो इसको, एक्स्ट्रा पानी होता है तो इसको नहर में बाईपास किया जाता है। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए, अब हम आपको मंदिर की तरफ लेकर आ गए हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए सामने, जैसे आप सामने तस्वीरों में देख रहे हो, यह पानी है देखो, काफ़ी यहाँ पर ऊपर आ चुका है जो जल स्तर है बाबा मार्कंडेश्वर मंदिर का। यह पास का दृश्य है, यहाँ पर देख सकते हो ये पानी काफ़ी ऊपर आ चुका है पहले से। और यह क्रॉसिंग के बिल्कुल पास भी है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप सामने, ये देखिए जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। और अब आपको वीडियो में हम आगे दिखाएंगे कि यह पानी कहाँ पर बाईपास किया जा रहा है। आइए, आपको अब वीडियो में आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यह पानी कहाँ पर बाईपास हो रहा है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं ये जो पानी का जल स्तर है, जैसे मैं बात कर रहा था वीडियो में कि इसको कहाँ पर बाईपास किया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यह सामने जो आप दृश्य देख रहे हो, यहाँ से यह पानी आ रहा है काफ़ी। और इस पानी को यह सामने साइफन बना हुआ, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से इस पानी को बाईपास किया जा रहा है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको यहाँ से जो नदी नहर है बाबा मार्कंडेश्वर के पास, उसमें बाईपास कर दिया जाता है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ सामने, यहाँ पर देखिए आप सामने, ये देखिए, आ जाओ, ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो यह पानी है, जहाँ से ये काफ़ी, आप जैसे तस्वीरों में देख रहे हो, यह पानी का काफ़ी प्रेशर है यहाँ पे। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये देखिए सामने, यहाँ पे सामने देखिए तस्वीरों में, कितना ही तेज़ बहाव के साथ यहाँ पर पानी आ रहा है। और पानी का जो प्रेशर है, आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से यह प्रेशर पानी में आ रहा है। और यहाँ से इस पानी को इस नहर की तरफ बाईपास किया जा रहा है, आप देख सकते हो। आइए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो नहर के पास साइफन बने हुए हैं, यहाँ से देखिए, आप देख सकते हो यह पानी यहाँ से बाईपास हो रहा है। और यहाँ पर जो रफ्तार है पानी की, आप देख सकते हो किस गति से यहाँ पे पानी जा रहा है। और यह पानी नहर में आगे बाईपास हो रहा है। आगे भी मैं दिखाता हूँ यह पानी किधर जा रहा है बाईपास होकर तस्वीरों में, ये देखिए, ये देखिए, ये सामने, अब मैं आपको दिखाता हूँ यह दृश्य, ये देखिए ये दृश्य कितना यहाँ पर पानी का जो बहाव है बिल्कुल ही तेज़ है, जैसे आप देख रहे हो। और ये पानी है सामने, यह नहर में बाईपास किया हुआ है। यह आप तस्वीरें देख रहे हो कुरुक्षेत्र जिले के झांसा गांव से। मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ तस्वीरें, ये देखिए, जैसे आप देख रहे हो तस्वीरों में, जो पानी का बहाव है और प्रेशर है यहाँ पर बिल्कुल ही तेज है। ये देखिए किस तरह से यह पानी काफ़ी रफ्तार के साथ जा रहा है, ये देखिए। आगे दिखाते हैं, पानी नहर की तरफ जा रहा है सामने क्रॉसिंग, ये देखिए सामने इस नहर में आगे जा रहा है पानी। जो गांव झांसा भी है ग्रामीण, उनसे भी पूछते हैं इस बाबा मार्कंडेश्वर मंदिर। आइए, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो जो बाबा मार्कंडेश्वर नदी है, यह काफी मान्यता है इस नदी की। और बोला जाता है यहाँ पर हर जो मतलब आपके मनोकामनाएं मांगते हैं पूर्ण करते हैं बाबा मार्कंडेश्वर जी, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? बाबा मार्कंडा जी काफी चिर से चलता है, बहुत पुराने काले अंब तो निकलता है। जो आता पानी मतलब लोग बहुत मानता करते हैं सावन के महीने,
इनकी मानता करते हैं। मंदिर भी बने सारे थाना से, हर एक जगह से मंदिर बने, इनकी मानता बहुत चलती सावन के महीने, बहुत लोग इन पूजते हैं, अगे पिछे भी पूजते हैं, सावन के महीने से ज्यादा पूजते लोग। पानी फिर जो आता सारा मतलब खेतों खुतों से भी, सारे खेतों से भी फैल जाता है, मतलब नुकसान भी करता है, लोग इन पूजते भी ने सारा काम करता। तो मतलब आसपास के जो गांव हैं, मतलब जो खेत पर थे आप ये बोल रहे हैं, उनके आसपास वहां पे जल स्तर काफी बढ़ जाता है। हां जी हां जी, जल स्तर बहुत मतलब पिंडा के बच्चे तो उन्होंने कई पिंड में मतलब इधर लाहौर है, हां जी, अदा मुगल माजरा है, कठुआ, कलसाना, चरोली, ये सारे पिंड इन दी मार दे विच होना सिस्टम आए पै, मतलब पानी जेड़ा है सारा पानी इन दे मतलब सारा पानी फैल गया सारे बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने तस्वीरों में देखा तो अब की बार भी जो पानी है काफी जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो आसपास के इलाके हैं जैसे हम ग्रामीण गांव की बात कर रहे हैं, जो आसपास खेत पड़ते हैं वहां पर भी जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है और जो वहां पे फसलें हो गई हैं उन पर भी काफी प्रभाव पड़ता है इसका। इस तरह की आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, और आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।